ये तो बात बीएसपी की हुई, चलिए बीजेपी की बात कर लेते हैं। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी फिर से अपना सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। 2 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी, पहले चरण की, जो 25 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद दूसरा चरण 1 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। पीएम मोदी पार्टी के पहले सदस्य होंगे। लोग नमो ऐप और क्यूआर कोड के जरिए पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सूत्रों की माने तो पार्टी ने 20 करोड़ लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 सितंबर से ये संगठन पर्व सदस्यता का शुरू होगा, जिसमें नए सिरे से सभी मौजूदा जो सदस्य उनको भी फिर से सदस्य होना होगा। तो 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय अध्यक्ष जी पहला सदस्य बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता शुरू होगी। सीतापुर में शारदा सहायक नहर कट जाने के बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके का उन्होंने जायजा लिया। मंत्री ने गांव वालों से बात की, ग्रामीणों के पशुओं की हानि हुई है उसके बारे में भी बात की और मुआवजे का भरोसा दिया है। साथ ही कल तक रोड पर यातायात शुरू हो जाने का दावा भी किया। हम शाम तक या कल तक आवागमन सुरक्षित हो जाएगा और गाँव में भी जो पानी घुसा था वह अब नीचे उतर गया है। पानी किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, क्योंकि जिले का प्रशासन अधिकारी सभी लोग लगभग और सभी को रेस्क्यू किया और हमारे एनडीआरएफ की टीम में सब किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन फसलों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सभी किसानों को जिनका जिनका नुकसान हुआ है। इधर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कंगना रनौत को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अजय राय ने कहा कि कंगना को देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से कंगना रनौत पर कार्रवाई की मांग करता हूं, अगर कार्रवाई ना हुई तो देश का किसान माफ नहीं करेगा। कंगना रनौत को निश्चित तौर से देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए और उनको भारतीय जनता पार्टी उनको निष्कासित करे। मैं मांग करता हूं नड्डा जी से, मोदी जी से, कि अब उनसे अपनी दूरी बना लीजिए, नहीं तो आने वाला समय जो किसान है वो आपको चलने नहीं देगा, क्योंकि किसान हम सब लोग किसान के बेटे हैं और किसानों का इन्होंने अपमान किया है पूरे देश का। निश्चित तौर से आने वाले समय में किसान इसका बदला जरूर लेगा भाजपा से। दरअसल एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान कंगना ने किसान आंदोलन पर कई विवादित टिप्पणी की थी। कंगना का कहना था कि अगर केंद्र सरकार पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होती तो किसानों के विरोध प्रदर्शन से भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो सकते थे। पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां रेप और हत्याएं भी हो रही थी। किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना इन उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी, विदेश में कुछ भी कर सकते थे। वहीं कंगना रनौत के इस बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया, साथ ही कंगना को भविष्य में इस तरह का बयान न देने की नसीहत दी गई है।